फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विलेज पौली, सरधना रोड, मेरठ। भाजपा का दामन थामकर समाज सेवा का दावा करने वाले कुख्यात उधम सिंह को आज फिर से जेल भेज दिया गया। आरोप है कि उसने बैंक कर्मचारियों को धमकाया था। गंभीर बात यह भी निकल कर सामने आई है कि उधम सिंह के खौफ के चलते इंडियन बैंक की करनावल शाखा पिछले 3 दिन से खुल नहीं रही थी। बैंक प्रबंधक ने अपने जनरल मैनेजर को जो खत लिखा, वह खौफ है आतंक की सारी कहानी बताने के लिए पर्याप्त है। मैनेजर ने शाखा को किसी अन्य जगह स्थानांतरित करने की गुहार लगाई है। बकौल शाखा प्रबंधक, उधम सिंह ने कहा है कि आप लोगों के आने जाने का रास्ता तो यहीं है, देख लेंगे। बैंक स्टाफ के इस आतंक में घिरे होने के बाद SP देहात भारी पुलिस फोर्स लेकर करनावल पहुंचे और पूछताछ की बात करते हुए थाना सरूपुर ले आए। यहां से उधम सिंह को फिर से जेल भेज दिया गया। उधम सिंह करीब 10 दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। वह लंबे अरसे से जेल में बंद था। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं FirstBite.tv। दिलचस्प बात यह भी है कि जेल से बाहर आते ही उधम सिंह ने शराफत की जिंदगी जीने का आश्वासन मेरठ पुलिस को दिया था। उसके बाद करनावल पहुंचने पर एक इंटरनेट चैनल को दिए साक्षात्कार में उधम सिंह ने कहा था कि वह अपराध की दुनिया से तौबा कर चुका है। उसकी पत्नी ने 2 साल पहले ही भाजपा की सदस्यता ले ली थी। वह भी भाजपा में ही है। अब भाजपा में रहकर वह समाज सेवा करेगा। आइए देखते हैं कुछ अंश। मैं थोड़ी जो है समाज की जैसे प्रतिक्रिया, मैं अभी जेल से रिहा हुआ हूँ, सभी मेरे मुकदमे करीबन खत्म हो चुके, बरी हो चुका हूँ मैं, और मेरी पत्नी चेयरमैन पर्सन है, और ये जाट बहुल क्षेत्र है, और जाट बहुल क्षेत्र से ये कस्बा बहुत मायने रखता है कि इसका मतलब टाउन एरिया से, मतलब नगर पंचायत से चेयरमैन पर्सन जो है लेडीज है, जो मेरी पत्नी है, तो और मेरा अपना भी जो है मतलब समाज में काफ़ी अच्छा मतलब योगदान रहा है, हमेशा ही जो है लोगों की सेवा करना और सभी बुजुर्गों के और जो आशीर्वाद रहा है माता बहनों का। तो जैसे मैं जेल से छुटकर रिहा हुआ, तो यहाँ पे काफ़ी मतलब मेरे मतलब जो है जो मुझसे मतलब हमदर्दी रखते हैं या मेरे जो है मेरे काम से मेरे कार्यों से जो मुझे मतलब जानते हैं पहचानते हैं, तो वो सभी लोग ये चाहते हैं कि मतलब मैं भविष्य में 2022 में इलेक्शन लड़ूँ। जो वो किसी मतलब पार्टी से वो तो अलग चीज़ है, पर बाकी मेरी ऐसी कोई मानसिकता नहीं है, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता विधानसभा का, क्योंकि मेरे पास तो यही मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी है कि मैं नगर पंचायत की मेरी पत्नी जो है चेयरमैन पर्सन है और समाज की यही जो है जिम्मेदारियाँ निभा दूँ। एक एक आकर्षित की कोई बात ही नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। मैं तो जेल से रिहा होती है, मुझे अभी 75 लाख रुपये का कल ही जो है हमने नगर पंचायत में अपनी बोर्ड की मीटिंग करके जो है काम को जो है हरी झंडी दी है, और 1.5 करोड़ रुपया हमें सतपाल सिंह जी जो कमिश्नर हैं, वो सांसद जी हैं हमारे क्षेत्र से, उन्होंने हमें आवंटित कर दिया हमारे कस्बे करनावल के लिए। तो हम उनके जो है ऋणी है, शुक्रगुजार है कि उन्होंने मेरे आते ही जो है हमारी एड पास कराई, तो उसके लिए बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद है। उधर इंडियन बैंक के करनावल बैंक शाखा प्रबंधक ने जोनल मैनेजर को बीते 20 जुलाई को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा गया है कि कुख्यात अपराधी उधम सिंह जेल से बाहर आ गया है। वह मुझे व स्टाफ को बार बार अपने घर बुला रहा है। वह नगर पंचायत के करीब 30 संविदा कर्मचारियों को 2 से 3 लाख रुपये का लोन देने का दबाव बना रहा है, जबकि बैंक की पॉलिसी में संविदा कर्मचारियों को लोन देना नहीं है। मना करने पर साफ बोल रहा है कि आप लोगों के आने जाने का रास्ता यहीं से है, देख लेंगे। 20 जुलाई को उधम ने आदमी भेजकर मैनेजर को बुलाने के लिए कहा। मैनेजर ने अंदर ही भेज देने के लिए कहा, तो जवाब आया कि यदि मैं बैंक में आया तो सभी भागे फिरोगे। बकौल बैंक मैनेजर, वह व पूरा स्टाफ मानसिक दबाव में वह खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चूँकि शाखा उधम सिंह के घर के नज़दीक है, शाखा का लीज भी अभी रिन्यू नहीं हुआ है, लिहाजा शाखा को कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाए। उधम सिंह पर गंभीर धाराओं में 45 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 10 दिन पहले उधम सिंह जमानत पर बाराबंकी जेल से बाहर आया है। उसकी पत्नी पुष्पा करनावल से चेयरमैन है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।